हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने केमिस्ट्री लैब में। आज हम ट्वेल्थ क्लास में फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपना जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है एमीन, उसको हम आज कंफर्म करेंगे। तो अपने को ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिक्विड, और इसकी हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टेट अपनी क्या है, लिक्विड है, और कलर हमें दिखा रहा है इसका रेड ब्राउन। उसके बाद इसकी ऑर्डर इसकी एक्यूट है, पेट्रोल की तरह। और हम सोल्युबिलिटी चेक करते हैं वाटर के अंदर। तो ये वाटर में जो है पार्टली सोल्यूबल है। इस तरह टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। अब इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, वाटर हमने ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से शेक कर रहे हैं। तो ये अपना डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पार्टली सोल्यूबल है, देखिए। और अब हम मेन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अपना एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के अंदर क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो अपना ये ब्लू कलर आता है, लाइट ब्लू कलर। यानी अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लाइट बेसिक नेचर का है। टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है। अब इसके अंदर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो देखिए, इसको हम शेक कर रहे हैं और इसका जो कलर है लाइट ब्लू कलर हो गया है, देख पा रहे हैं। तो ये अपना जो है बेसिक नेचर का हो गया कंपाउंड, जो है लाइट बेसिक नेचर का है। अगला टेस्ट अपना फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट के अंदर भी अपनों को क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो अपना ये ब्लैक स्मोक के साथ जलता है। यानी अपना जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है। स्पैचुला पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, अब हम इसको बर्न कर रहे हैं। तो ये जलने लग गया है, देखिए ब्लैक स्मोक इसमें आ रहे हैं काफ़ी। तो ये अपना जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये काला धुआं दे रहा है। थर्ड टेस्ट अपना है एलिमेंट टेस्ट। एलिमेंट टेस्ट किस तरह से करते हैं, अपन LS बनाते हैं। LS बनाने के बाद अपने को थोड़ा सा उसमें NaOH डालना होता है, फिर अपन उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeS सुपर सॉल्यूशन डालने पर अपना DT ग्रीन PPT आ जाती है। तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन जो एलिमेंट है प्रेजेंट हो सकता है, अगर अपन आगे उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने पर ब्लू कलर आ रहा है तो अपना ये हो जाता है नाइट्रोजन प्रेजेंट। टेस्ट ट्यूब में हमने LS लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसमें हम थोड़ा NaOH ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम इसके अंदर थोड़ा सा NaOH ऐड करेंगे, फिर इसके अंदर हम अपना जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे। तो सॉलिड अपना FeSO4 लेके उसको हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हम जैसे ही FeSO4 का सॉल्यूशन ऐड किया, अपना ग्रीन PPT आ गई है, ये शेक भी नहीं हो पा रही, देखिए टेस्ट ट्यूब में जम गई है। अब हम इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉपर की हेल्प से। तो ये अपना प्रशियन ब्लू कलर आ रहा है, इसको शेक करने पर ये देखिए ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि अपना नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है, अपनी जो है ब्लू कलर आ रहा है। कन्फर्मेशन टेस्ट के अंदर बात करें अपन तो बहुत अच्छा टेस्ट अपना एजोडाई टेस्ट। किस तरह से करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके टेस्ट ट्यूब में इसमें हम मिलाते हैं डाइल्यूट HCl। तो ये क्या होता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक नेचर का है और इसमें डाइल्यूट HCl मिलाने पर ये उसमें डिजोल्व हो जाता है और थोड़ा सा हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाता है। उसको हम क्या करना होता है, ठंडा करेंगे टेस्ट ट्यूब को, फिर हम उसके अंदर NaNO2 का जो सॉल्यूशन बनाएंगे एक पर सॉल्यूशन वो उसमें ऐड करेंगे, और अपना बीटोनेप्तोल का सॉल्यूशन जो एल्किलाई सॉल्यूशन होना चाहिए NaOH के अंदर, हम बीटोनेप्तोल का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको हम ऐड करेंगे। तो अपने पास क्या आता है, रेड ऑरेंज डाई आती है। तो हम बोलेंगे अपना एमीन जो है कन्फर्म हो गया है। टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, अब हम इसके अंदर डाइल्यूट HCl मिलाने जा रहे हैं। तो अपना कंपाउंड बेसिक है हल्का सा, और इसमें जैसे ही हम डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है, देखिए ये, और अपनी टेस्ट ट्यूब काफ़ी हीट हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ठंडा पानी लेंगे बीकर में और उसके अंदर हम इसको रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, और फिर हम जो है NaNO2 का सॉल्यूशन तैयार करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं, देख पा रहे हैं इस तरह से जैसे हम इसको मिलाते हैं तो ये अपनी रिएक्शन होती है, और इसको हम शेक करेंगे और फिर से हम इसको जो है थोड़ा
टाइम के लिए ठंडे पानी में रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। अपनी टेस्ट ट्यूब काफ़ी गर्म हो जाती है तो हमें एक्सपेरिमेंट में बीच बीच में इसको ठंडा करना रहता है। अब हम बीटा नेप्थोल का NaOH के अंदर अपना सॉल्यूशन बना के रखते हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे। एल्कलाई सॉल्यूशन होना चाहिए बीटा नेप्थोल का, तो इसको हम इसमें मिलाते हैं। तो देखिए ये अपना डाई बन गई है, रेड ऑरेंज डाई, बहुत शानदार है। देखिए काफ़ी गहरा अपना रेड ऑरेंज कलर आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत अच्छी अपनी डाई बनी है। तो ये अपना एजोडाई टेस्ट है, तो एमीन इसके अंदर कंफर्म हो जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया अपना, एमीन। लास्ट टेस्ट देखते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट अपना, थ्योरी के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। तो किस तरह से करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अपन थोड़ा सा NaOH ऐड करेंगे और थोड़ा अपन वाटर भी ऐड कर देंगे, फिर अपन इसके अंदर अपना बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड सॉल्यूशन अपन इसमें मिलाएंगे। अपना जो बीकर है या अपनी जो बोतल है उसके बॉटम के अंदर ये बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड होता है, तो हम ड्रॉपर को अच्छे से डिप करेंगे नीचे तक, बॉटम तक ले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे इससे उसको ले करके ऐड करेंगे। तो हम जब इनको ऐड करते हैं तो ये अपना सोल्यूबल हो जाता है, और जब इसके अंदर हम एसिटिक मीडियम करते हैं, जब हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, तो अपना ये इनसोल्यूबल वाइट अपना प्रेसिपिट आ जाता है, तो अपना एमीन ग्रुप कन्फर्म हो जाता है। टेस्ट ट्यूब में हमने एमीन लिया है, अब इसके अंदर अपन NaOH ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर NaOH मिलाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, एमीन इसकी डेंसिटी कम होती है और इसलिए ये ऊपर आ जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर भी देखिए ये ऊपर ही रहता है, अच्छे से मिक्सअप नहीं होता है। अब जो है हम इसके अंदर अपना बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ऐड करेंगे। बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड जो होता है अपना नीचे बॉटम पर ही रहता है, इसके ऊपर अपनी वाटर की लेयर रहती है, इसलिए ड्रॉपर से इसको अच्छे से लेना होता है। अब बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड जो अपना ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण नीचे आ जाता है टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर जो अपना अमीन था वो देखिए सोल्यूबल हो गया है, देख पा रहे हैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंट अपना लगभग बन रहा है सॉल्यूशन। देखिए ये सोल्यूबल है, ऊपर जो अपना अमीन था स्टार्टिंग में ऊपर लेयर थी वो पूरी सोल्यूबल हो गई है, और इसको जब हम एसिड मिलाएंगे इसमें, तो हम इसमें डाइल्यूट HCl मिला रहे हैं, तो जो अपनी ऊपर जो सोल्यूबल लेयर है वो जो देखिए वाइट PPT आ गई है अपनी, तो ये अपना एमीन जो है कंफर्म हो जाता है। जल्दी से हम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं एजोडाई टेस्ट की, तो ये अपना एमीन हमने इसको HCl में डिसोल्व करके इसमें अपने NaOH सॉल्यूशन जब हमने मिलाया था तो अपने पास ही बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको जो हम बीटा नेप्थोल से रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास ये एजोडाई बनती है, तो अपना ये रेड ऑरेंज कलर आता है। और आगे बात करते हैं अपन हिंसबर्ग टेस्ट की, तो ये अपना एमीन इसको हमने जो अपना हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड इससे हमने रिएक्शन कराई तो अपने पास ये बनता है, और इसको जो हम बेस से रिएक्शन कराते हैं NaOH से तो अपने पास ये वाटर सोल्यूबल साल्ट बन जाता है, और जब हम फिर से इसके अंदर अपना कोई एसिड ऐड करते हैं तो अपने पास ये वाटर इनसोल्यूबल PPT आ जाती है, तो ये अपना एमीन जो है कन्फर्म हो जाता है। तो बड़े आराम से अपना ये प्रैक्टिकल कम्प्लीट होता है, आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।